हो गया हेलो फ्रेंड्स गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू सभी को गुड आफ्टरनून है और आज का जो टॉपिक है मेरा वो होने वाला वर्ल्ड जोग्राफी और टॉपिक होगा लेक ऑफ द वर्ड यानी कि झील के बारे में पढ़ाई की जाएगी मुख्य रूप से जो आज का टॉपिक है वो है लेक्स ऑफ द वर्ल्ड देखता हूँ कि एक बार मैं ऑनलाइन आ रहा हूं या नहीं या क्लास जो है मेरी प्रॉपर रूप से ऑडिबल uh, है कोई पोस्ट तो नहीं है एक बार देख लेते हैं अदरवाइज उसको हम टॉपिक को क्लियर करेंगे आगे और ठीक है 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 दैट्स सही चल रहा है। दोस्तों आप सभी का स्वागत है, मेरे चैनल विद कृपा शंकर और आज का जो टॉपिक है हमारा वो है लेक लेक ऑफ द वर्ल्ड और मुख्य रूप से जो हम जिस टॉपिक पे हम चर्चा करेंगे पहले मैं अन अकेडमी के बारे में बता दूं आप लोगों को कि ये बेसिकली है क्या वैसे तो किसी खास चर्चा का विषय नहीं है क्योंकि अपने आप में ही इतना पॉपुलर है है ना तो दोस्तों जो टॉपिक है उसकी शुरुआत करने से पहले मैं बताना चाहूंगा इज वेडमी एज यू नो इट इज इंडिया प्लेटफॉर्म और वट इट विल प्रोवाइड यू इट विल प्रोवाइड यू बाइलिंग कोर्सेज ऑफ द जोग्राफी ऑफ द पॉलिटी ऑफ द हिस्ट्री एंड करंट अफेयर दोनों का ये जो सिंबल है ये अन का है आप सभी को पता है तो अन के बारे में मुख्य रूप से मैं बताना चाहूंगा आप लोगों से इंडियाज लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म है जिसके थ्रू आप अपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारियां घर रह के कर सकते हो और साथ में जो आप अपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारियां हैं इंडिया के टॉप जो बेस्ट एजुकेटर्स हैं उनके साथ जुड़ के कर सकते हो मुख्य रूप से आपको उसको मिलेगा क्या क्या अकेडमी आपको प्रोवाइड क्या कराएगा इट विल प्रोवाइड यू डेली लाइव क्लासेस 24 फोर इंटू सेवन में क्लासेस होंगी जो 365 सिक्सटी फाइव डेज में चलती रहती हैं और मुख्य रूप से अगर किसी भी बच्चे की ये क्लास छूट जाती है तो वह बच्चा एक्सक्लूसिव फॉर्मेशन में अपने क्लास को देख सकता है अब मैं जरा आज का क्लास का लिंक शेयर करना भूल गया था अपने दोस्तों के साथ तो मैं एक दो को शेयर कर दूं ताकि कोई किसी कोई किसी चीज का कन्फ्यूजन ना हो और जैसे कि आज संडे है सभी आप लोग मुख्य रूप से घर पे बैठे होंगे और इन्जॉय कर रहे होंगे लेकिन जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करने वाला बच्चा है जो मुख्य रूप से सिविल सर्विस की तैयारी कर रहा है या जो 2020 का मीन्स देने वाला है उसके लिए कोई इंजॉयमेंट नहीं है जो 2021 का प्रीलिम्स भी देगा उसके लिए भी कोई इंजॉयमेंट नहीं है क्योंकि ऑलमोस्ट छह महीने ही एग्जाम के बचे हुए हैं अन अकेडमी इसके अलावा आपको देगा जो लाइव टेस्ट है ए बी जो डी फॉर्मेशन है एबीसीडी फॉर्मेशन में होगा जिसके चार ऑप्शन है पोल भी दिया जाएगा दोस्तों ये जो क्लासेज है यूट्यूब पे अन की तरफ से मैं देता हूँ जोग्राफी की और जो अन अकेडमी का एप्स है एप्लीकेशन है मैं उस पर पढ़ाता हूँ करंट अफेयर्स ठीक है ना और स्ट्रक्चर कोर्सेज है

चार्जेज नहीं है कोई फीस नहीं है तो एक बार मैं क्लास का जो मुख्य प्रारूप है उसको ज्वाइन करने से पहले मैं देख लेता हूँ कि इंटरनेट की जो स्पीड है वो सुचारू रूप से चल रही है नहीं क्योंकि बेसिकली मैं देखना चाह रहा हूँ जुड़ा हुआ है तो उससे इंटरक्शन हो जाए ताकि क्लास को सिस्टमेटिक ढंग से पूरा किया जा सके देखो क्लास तब तक अच्छी चलती है जब तक काउंटर क्वेश्चन हो काउंटर क्वेश्चन हो तो आप कुछ भी पूछ सकते हो ज्योग्राफी के कोर्स रिलेटेड है ना जैसे कल दो तीन बच्चे जुड़े थे सही लगता है ऐसे में जुड़ना स्पीड स्पीड तो मेरी नेट की एकदम सही है बेसिकली इसके बाद में आपको बताने वाला हूँ चाहे आप फोन यूज कर रहे हो एंड्रॉइड हो चाहे आपके पास एप्पल का फोन हो तो उसमें गूगल प्ले पे या एप स्टोर पे जाकर आप डाउनलोड कीजिए यानी कि अनअकेडमी लर्निंग एप तो जो आपकी स्क्रीन का प्रारूप है कुछ इस तरीके से दिखाई देगा आप उसमें मोबाइल नंबर अपना एंटर कीजिए उस पर जो ओ आएगा वो एंटर कीजिए और सिक्योरली ढंग से लॉग कीजिए चाहे आप भारत के किसी भी स्टेट में रह रहे हो पंजाब हो चाहे वो आपका दिल्ली हो महाराष्ट्र हो आंध्र प्रदेश हो तेलंगाना हो महाराष्ट्र हो कह चाहे जहां भी रह रहे हो आप अपने कोर्स को क्लासेस को सिस्टमेटिक पूरा कर सकते हो और अपने कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारियां घर रह के कर सकते हो और दोस्तों नेक्स्ट स्लाइड से अबाउट मी अबाउट मी एज यू नो मेरा नाम है कृपा शंकर है ना और मेरी जो क्वालिफिकेशन है वो है एम ए इकोनॉमिक्स और मुझे दिल्ली के मुखर्जी नगर में विभिन्न संस्थानों में पढ़ाने का पांच साल का एक्सपीरियंस है हाय सर हेलो जी का का पढ़ाने एक्सपीरियंस का है अब दोस्तों मुख्य रूप से इसके बारे में चलते हैं अन अकेडमी विल प्रोवाइड यू प्रिपेयर विद हंड्रेड प्लस टॉप एजुकेटर्स चाहे कोई भी अध्यापक हो कोई भी एजुकेटर्स हो वो आपको एक गाइड कर सकते हैं वो आपको एक तरीके से आ, क्या बोल सकते हैं मेंटली uh, प्रिपेयर कर सकते हैं साइकोलॉजी प्रिपेयर कर सकते हैं और आपका वो हर टाइम हर कोर्स रिलेटेड आपको गाइड करेंगे और दोस्तों ज्योग्राफी यानी कि जैसे कि आपकी स्लाइड्स में दिख रहा होगा कि पॉलिटी के पंद्रह कोर्स हैं हिस्ट्री के बीस हैं तो इसी तरीके से ज्योग्राफी के अन अकेडमी पे बीस अपकमिंग कोर्सेज हैं बीस अपकमिंग जिसमें जो मेरे कोर्स हैं यानी कि जो मेरे कोर्स है ज्योग्राफी मेंस का वो तीस से पैंतीस क्लासेस में कंप्लीट हो जाता है ठीक है ना और जो आगे का जो प्रोसीजर है फीस स्ट्रक्चर अगर आप मुझे सब्सक्राइब करते हैं लाइक करते हैं और प्लीज लाइक माय वीडियोस शेयर माय वीडियोस एंड सब्सक्राइब और उसके बाद जो बेल आइकन होता है प्लीज उसको भी प्रेस कीजिए ताकि जो मेरी वीडियो है आप लोगों को फौरी तौर पर मिलते रहे तो अन का जो प्लस कोर्स है प्लस कोर्स के लिए मैं आपके लिए बताना चाहूंगा पहले जो मेरा कोड है कोड है के आर आई पी ए में वन के आर आई पी ए अगर आप इसको एंटर करते हैं ना किसी भी फीस के लिए तो दोस्तों आपको दस परसेंट का डिस्काउंट हो जाएगा आप देखो दस परसेंट के डिस्काउंट के पास बाद आपको कितना कोर्स पढ़ने वाला है देखो एक महीने का अगर आप सब्सक्राइब करते हैं फीस देते हैं तो आपको दस परसेंट पड़ेगा एक महीने की फीस दस नौ हजार रुपए है तो जैसे ही जैसा आप दस परसेंट का डिस्काउंट पाएंगे तो फीस हो जाएगी आपकी आठ हजार सौ रुपए ठीक इसी तरीके से बारह महीने का कोर्सेज है तो उनचास हजार पांच सौ रुपए है जैसे ही आपको इसमें दस परसेंट का डिस्काउंट दिया जाएगा तो फीस फीसराइजी तो का डिस्काउंट मिलेगा ठीक इसी तरीके से सिविल सर्विस एग्जामिनेशन के लिए अन्य चार्ज कर रहा है आइकॉनिक कोर्स जो आइकॉनिक कोर्स है बारह महीने का जो फीस है वह सिक्सटी नाइन थाउजेंड फाइव हंड्रेड रुपीज और जैसे ही आप मेरा कोड यूज करते हैं के आर आई पी ए तो इसमें दस परसेंट का डिस्काउंट मिलेगा जो दस परसेंट का डिस्काउंट है वो पड़ेगा आपको बासठ हजार पांच सौ पचास रुपए ठीक इसी तरीके से अगर हम आगे चलते हैं बस इसमें जो आपके सामने कोर्सेज हैं ये कुछ आइकॉनिक है कुछ इसमें आ, प्लस कोर्सेज के बारे में बताया बताया जा रहा है तो ये बस आपको मुख्य रूप से क्या है मेरा कोड इस्तेमाल करना है के आर आई पी ए नोमरिक में वन ठीक है इसको यूज कीजिए और दस परसेंट का डिस्काउंट पाइए और अपने कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारियां करते रहिए और मुझसे जुड़े रहिए मेरा नाम है कृपा शंकर और प्लीज ये जो मेरी वीडियो है लाइक कीजिए सब्सक्राइब कीजिए अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और जो इसमें बेल आइकन है उसको दबाना ना भूलें ताकि मेरी जो वीडियोस हैं वो आपको फौरी तौर पे मिलती रहें तो जो कोड का कॉलम है वो यहाँ पे है थोड़ा सा छोटा ना पड़ जाए इसीलिए मैं इसको ऊपर लिख देता हूं ठीक है ना मुख्य रूप से कोड का बताना होता है ठीक है दोस्तों आज जो टॉपिक है हमारा वो है हमारा बेसिकली लेक के बारे में है झील के बारे में अब जो कल का टॉपिक हमारा जब मैंने आपको पढ़ाया था इंटरनेशनल रिवर्स के बारे में कर रहे थे तो दो तीन रिवर्स मैंने जानबूझ के छोड़ी थी ताकि कल की रिवर्स के बारे में कुछ पूछ लिया जाए अब दो तीन रिवर्स हैं इसके बारे में पहले पढ़ाता हूँ उसके बाद लेक के चैप्टर पे आएंगे और कल इससे रिलेटेड एक हम क्यूज़ रख लेंगे छोटा सा और उसके बाद कंटिन्यू करेंगे अब ये जो है बात की जा रही है यहाँ पे लिम्पोपो रिवर जो लिम्पोपो रिवर है एक्चुअल में जब हम रिवर्स का टॉपिक कंप्लीट करते हैं या पढ़ते हैं तो उसमें दो टॉपिक मुख्यतः याद रखते हैं एक तो है पहला हमारा जो इसका सोर्सेज हो कि उसका स्रोत कहाँ से है और सेकेंडली उसका माउथ या ड्रेनेज सिस्टम कहाँ पे है दो ही चीज है ना तो जो चीज को जो है सोर्सेस के बारे में बात की जा रही है तो इसकी जो सोर्सेज है वो है मैरिको रिवर बात कर रहे हैं हम मैरिको रिवर की मैरिको रिवर अब जो उसमें दूसरा नाम लिखा हुआ है क्रोकोडाइल रिवर क्रोकोडाइल रिवर जो टर्म है लिम्पोपो नदी में सबसे ज्यादा क्रोकोडाइल मिलते हैं पूरी दुनिया की कंपैरिजन में किसी भी नदी की कंपैरिजन में है ना तो इसको क्या कहा है क्रोकोडाइल रिवर इसका निकनेम भी है तो क्रोकोडाइल रिवर हो गया यहाँ पे और इसका जो ऑरिजिन है वो है मैरिको 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 रिवर रिवर ये याद रखना रिवर। अब मैरिको रिवर के बारे में बात करते हैं तो मुख्य रूप से ये पड़ेगी कहाँ पे ये जो साउथ अफ्रीका वाली कंट्री है वहां पे एक पर्वत है पर्वत का नाम मैं अभी थोड़ा देने में बताऊंगा ताकि इसको आप यहां से इसको देख लो अब इसका जो माउथ है देखो सम वेह ये मैरिको है यहाँ पे है ना और ये साउथ अफ्रीका की एक कंट्री है उसके अंदर ही है और साउथ अफ्रीका के अंदर बेसिकली दो कंट्री है एक तो है लिशोथो एक है स्वाजीलैंड अब देखो यहाँ पे देखेंगे मैरिको रिवर से इसका जो है उत्थान हो रहा है और ये जो है मुख्य रूप से ऊपर को बढ़ती हुई बढ़ती हुई ये इधर मूव कर जाती है साउथ ईस्ट में तो ये जाके गिर जाती है आपकी इंडियन ओशियन ये जो मेरी पीठ के पीछे आपको दिख रहा है ना जहां पे मैंने एक तरीके का रेक्टेंगल बनाया है आप देखेंगे आपकी स्क्रीन पे दिख रहा होगा साइड हट जाता हूं मैं ये है आपका इंडियन ओशियन तो इंडियन ओशियन में इसका माउथ है या इसका ड्रेनेज सिस्टम है क्या है माउथ है कहा इंडियन ओशियन में और ये जो है मैरिको रिवर क्या है इसका ओरिजिन पॉइंट है ओरिजिन पॉइंट गॉट इट अब इसके बारे में पढ़ते हैं जो लिमपोपुर रिवर है ये साउथ एंड सेंट्रल एशिया की एक मेन रिवर है मैं सबसे बड़ी या सबसे छोटी या सबसे बड़ी नहीं बता रहा एक मेन रिवर है अब ये जो है इसका जो माउथ है या जो गिरती है ये गिरती है इंडियन ओशियन में ये मैंने आपको बताया है ये देखेंगे ना हिंद महासागर में ये गिरती है यानी कि समाप्त हो रही है ड्रेनेज हो रही है अच्छा मैंने आपको कल एक टॉपिक बताया था बेसिन और ड्रेनेज और डेल्टा और कैचमेंट एरिया अगर आप लोगों को किसी को डाउट होगा तो पूछ लेना कमेंट बॉक्स में कभी भी पूछ सकते हो आज पूछो कल पूछो जब भी आप लोग ये वीडियो देखेंगे और जब भी मैं ये कमेंट देखूंगा आपका मैं रिस्पॉन्ड जरूर कर दूंगा अब ये जो है लिंपोपुर रिवर जो है ये सेकेंड लॉन्गेस्ट है नदी किसके बाद जैम्बोजी की अब जो जैम्बोजी है नंबर वन पे है और लास्ट में यानी कि सेकंड नंबर पे है पोपो नंबर टू पे है अब ये जो है जिसकी बात की जा रही है यहां पर लिमपोपो रिवर जो है ये भी आपका क्या है हिंद महासागर में गिरती है इंडियो इंडियन ओशियन में लेकिन इससे पहली वाली स्लाइड में मैंने कहा था कि ये जो रिवर है आपकी लिमपोपो लिमपोपो इसको क्या कहा जाता है इसको कहा जाता है क्रोकोडाइल रिवर क्या कहा जाता है क्रोकोडाइल रिवर यानी कि सबसे ज्यादा घड़ियाल पानी की स्थिति में घड़ियाल नदी में मिलते हैं तो इसको मतलब कि घड़ियाल की नदी भी कहा जाता है आ, ये जो है ना देश की लाडली कविता गुर्जर जी सर हेलो जी आपका यूट्यूब चैनल भी है क्या मैंने शायद देखा है इस नाम से कुछ घड़ियाल नदी भी कहा जाता है किसको लिम्पोपो रिवर को और इसके अलावा अगर आप देखेंगे ठीक से लिम्पोपो रिवर जो है ना ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन को दो बार कट करती है दो बार किसको कट करती है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन इसको मैं थोड़ा सा साफ कर देता हूं तो ऐसी कुछ एक चैनल का नाम था इसलिए पूछा मैंने दो बार क्रॉस किसको करती है कट किसको करती है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन कैप्रिकॉन को हिंदी में बोलते हैं मकर रेखा मकर रेखा को दो बार क्रॉस करती है कौन सी नदी लिम्पोपो और जो हमारी आ, क्या बोलते हैं एक और नदी है अफ्रीका की कांगो वो इक्वेटर को दो बार कट करती है सभी को पता है ना यानी कि भूमध्य सागर रेखा को दो बार कट करती है अगर कोई डाउट हो तो पूछना चीज में लेके यानी कि अब बात करते हैं मिनरल्स की कि जो लिम्पोपो रिवर्स है उसमें कौन कौन से खनिज कवि सिंह सर जी सर है ओके ओके ठीक है जी मिनरल्स की बात की की जाएगी यहां पे अच्छा आप कौन से एग्जाम की तैयारी कर रहे हो सिविल सर्विसेज और अदर कॉम्पिटेटिव एग्जाम प्रीलिम्स दिया था इस बार का 2020 वाला अब जो अफ्रीका का जो एरिया है ये देखेंगे एक जैसे कि ये हमारा मैप है अफ्रीका का इस टाइप से इसको एक आइडिया से ले लेंगे इसका जो दक्षिणी पूर्वी भाग है ये साउथ है ये ईस्टर्न है तो ये जो हिस्सा है ओके अदर्स दक्षिणी हिस्सा जो है इसमें क्या है ये एक टाइप की बाउंड्री यानी कि सीमा बनाकर बाउंड्री लाइन बनाकर ये फ्लो करती है कौन सी नदी की बात कर रहा हूं मैं लिम रिवर और दोस्तों ये ठीक जो एक यहाँ पे जगह है साउथ अफ्रीका में जिसका नाम है जोहसबर्ग जोहन्स वर्ग के ठीक उत्तर पश्चिम उत्तर पश्चिम अगर इस डायरेक्शन का लगा है तो ये नॉर्थ है ये वेस्ट है इसके ठीक ऊपर से यानी कि इस वाले पोर्शन से लिम्पोपो नदी निकलती है और ये जाके फिर इंडियन ओशन में गिर जाती है अब ये आप लोगों को पता है जो साउथ अफ्रीका का एरिया है चाहे वो आपका जोहस वर्ग हो चाहे वो आपका पिक्टोरिया हो चाहे कुछ भी हो वहां पे क्या है मोस्टली मुख्य रूप से गोल्ड की माइन है यानी कि सोने की खान है दूसरा कॉपर माइन भी है क्या है कॉपर माइन ये मुख्य रूप से याद रखना लेकिन इसमें अगर हम बात करेंगे जो गोल्ड माइन है ऐसा नहीं है जैसे कि गोल्ड माइन की बात करें हम तो गोल्ड माइन पूरे विश्व में दो फॉर्मेशन में मिलता है जो एक नंबर वन फॉर्मेशन है क्या बोलते हैं उसको प्लेट्यू प्रेशर प्लेसर पी एल ई ए टी यू प्लेट्यू, प्लेट्यू प्रेशर और लिक्विड में लिक्विड प्रेशर यानी कि पानी के रूप में जैसे कि भारत में भारत के रेफरेंस में अगर हम बात करते हैं तो जो रिवर है तो सोन या सोन रिवर या सोन रेखा में गोल्ड मिलता है तो ये कैसे हो गया लिक्विड फॉर्मेशन में और दूसरा जो हमारा कॉम्बिनेशन है वो मिलता है पठार के क्षेत्र में यानी कि जहां से पहाड़ है पर्वत है उस फॉर्मेशन में मिल जाएगा और मुख्य रूप से ये सोने के बहुत बड़े निक्षेप होते हैं निक्षेप जो यहाँ पे वर्ड इस्तेमाल किया गया है उसका मतलब होता है खान से या माइंड से या प्लेसर से ठीक है ना कोई डाउट हो तो जरूर पूछ लेना अदरवाइज आगे बढ़ते हैं अब ये जो है रिवर दूसरी रिवर की बात की जा रही है ये है माही रिवर माही रिवर के बारे में बात करेंगे लेकिन क्या है आप लोग शायद इतना ध्यानपूर्वक पढ़ने पढ़ना नहीं चाह रहे तो जो आप लोग को कोई डाउट हो तो पूछ सकते हो कैसा भी डाउट हो पूछो माही रिवर की बात की जा रही है और ये जो माही रिवर है ये हमारी भारत में है यानी कि ये इंडिया में है अब इसका जो मैंने दो चीज बताई है जब आप रिवर का कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हो तो पहले तो आप इसको पढ़ो ठीक से जिसको हम बोलते हैं ओरिजिन कि जहां से उसका निकल रहा है पानी कहां से निकल रहा है और ओरिजिन का मतलब होता है सोर्सेज स्रोत उसका स्रोत कहां पे है आपने कमेंट में लिखा है कि माही नदी सर्वाधिक कहाँ निकलती है सर्वाधिक का मतलब मैं समझ नहीं पाया आपको वैसे तो ये क्या मुख्य रूप से ये नर्मदा की एक ट्रिब्यूटरी है और ये निकलती है आपकी मध्य प्रदेश से और ये राजस्थान के अलवर साइड में चली जाती है और दूसरा उसका देखते हैं माउथ उसका मुंह कहाँ पे है ड्रेनेज सिस्टम कहाँ पे है दोनों चीजें सेम है अब इंडिया में है अब इसका जो उद्गम स्थल है जो सोर्सेज है विंध्याचल पर्वत श्रेणी है अब जो विंध्याचल पर्वत श्रेणी है माय डियर फ्रेंड ये जो है ना माही नदी ये आपका मध्य प्रदेश से निकलती है ये अलवर के साइड से निकलती है अलवर का माला ये नहीं कि प्रॉपर अलवर में उसके आसपास के एरिया से जो वहां पे एक जगह का नाम है आ, क्या बोलते हैं थोड़ा सा मुझे कंफ्यूजन हो रहा है कि अलवर और धार में कितना फर्क है हाँ वही वही जो आप बोल रहे हो राजस्थान की माही नदी बेसिकली वो निकलती तो मध्य प्रदेश से ही है उसका जो उद्गम स्थल है माही है माही का उद्गम स्थल जो मध्य प्रदेश के कहां पे धार जिला। धार जिला ऑफ राजस्थान सॉरी एमपी अब ये जब एमपी से फ्लो करेगी राजस्थान की साइड जाएगी ठीक है ना तो जो सर्वाधिक इसका फ्लोएशन रूट होगा वो आपका मैक्सिमम जो कैचमेंट एरिया है वो आपका राजस्थान में है ठीक है ना और ये जो निकलती है अरावली की जो आप राजस्थान से हो क्या आपको डिस्ट्रिक्ट वाइज पता है कि डूंगरपुर बांसवाड़ा लेकिन जो माउथ वाली बात की गई है वो तो आपका धार डिस्ट्रिक्ट है बस इतना तो याद रखना है ना और मध्य प्रदेश में कहां कहां से निकलती है झार धार है झबुआ है रतलाम है फिर गुजरात राजस्थान के राज्यों से होती हुई सावास गुड खंभा की खाड़ी के द्वारा अरब सागर में गिर जाती है अगर आप पूछो यहाँ पे खंबाथ की खाड़ी और अरब सागर में क्या डिफरेंस है दोनों एक ही पार्ट है तो ठीक रूप से अगर आप इसको देखेंगे जैसे कि आपका ये गुजरात का हिस्सा है इस टाइप से ये ऐसे करके ये है ना तो ये पूरा जो हिस्सा है ये अरब सागर का है और यहाँ पे जो नदियां गिरती हैं ये यहाँ पे चाहे वो नर्मदा हो चाहे वो माही नदी हो है ना तो यहाँ पे इसको कहा जाता है गल्फ ऑफ खंबात खम्बात अब आगे चलते हैं इससे आमूर रिवर आमूर दरिया अब ये जो आमूर दरिया है मध्य प्रदेश से निकलकर राजस्थान राजस्थान से निकल गुजरात गुजरात से निकलने के बाद ही चली जाएगी आपकी गल्फ ऑफ खंबात अरब सागर में ऑरिजिन है धार डिस्ट्रिक्ट विंध्याचल रेंज और इसका एंड पॉइंट कहां पे है वो है आपका गल्फ ऑफ खम्बात में वाह 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 क्या बात है मैं आपसे यही सुनना चाह रहा था यही पॉइंट जैसे कि मैंने लिम्पोपो और उसके बारे में बताया था ना क्या बोलते हैं कांगो रिवर के बारे में कि कांगो भूमध्य रेखा को दो बार कट करती है मकर रेखा को दो बार कट करती है लिम्पोपो कर्क रेखा को भारत में दो बार आपका ये जो रिवर है माही रिवर कट करती है एग्जैक्टली exactly, सही बात है आमुर रिवर आमुर दरिया अब आमूर दरिया और रिवर्स जो है ये अगर आप अलग अलग बुक्स पढ़ेंगे तो पानी को जहां पे झील है उसको नदियां चश्मे दरिया बहुत से नामों से संबोधित किया जाता है अब ये जो है आमूर है ये ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट क्या है ये बाउंड्री बनाती है चीन और रशिया के बीच में बाउंड्री का लाइन का काम करती है और मुख्य रूप से ये जो है अंतरराष्ट्रीय सीमा भी है आई भी बोलते हैं इसको इंटरनेशनल बाउंड्री बिटवीन रशिया एंड चाइना और ये जो है आमुर पूरे दुनिया की नंबर पे सबसे लंबी नदी है दसवीं सबसे लंबी नदी है आमुर और आमुर जो है आपकी कहाँ पे है रशिया में है चलो मैं आपको ये बताऊंगा इसका आप मेरे को क्या है माउथ और ड्रेनेज सिस्टम बताओ माउथ कहाँ पे है ड्रेनेज सिस्टम कहाँ पे है और चाहे आप गूगल का सहारा भी लेकर आप मुझे बता सकते हो लेकिन बताओ जरूर इसके बाद में पढ़ा रहा हूं आपको मेकोंग रिवर मेकोंग इसको हिंदी में इस तरीके से लिखा जाएगा मेकोंग नदी मेकोंग नदी दुनिया की एक लंबी नदियों में से और प्रमुख नदियों में से है जहां से ब्रह्मपुत्र भी निकलती है इंडस भी निकलती है मेकोंग थोड़ा सा ऊपर से निकलती है यांग टीसी की यांग है जो आपका तिब्बत के प्लेटू से शुरू होकर चीन से निकल जाती है फिर जाके वो इंडियन ओशन में गिर जाती है इंडियन ओशन का जो येलो सागर है उसके ऊपर वाले पार्ट में वहां पे गिर जाती है सॉरी मैंने इंडियन ओशन बोल रहा है मेकॉन्ग जो है विश्व की सबसे लंबी नदियों में से एक है और इसके अलावा ये तिब्बत का जो प्लेटू है जो तिब्बत का पठार है वहीं से निकलती है और जो चीन का जो मैंने इस लिखा ना यूनान ये यूनान नहीं है इसको सिक्यांग बोलते हैं सिक्यांग ये थोड़ी टाइपिंग मिस्टेक है और स्पेलिंग थोड़ा सा इसका ऐसे है सिक्यांग सिक्यांग से निकलती है ये म्यांमार और म्यांमार से होती हुई थाइलेंड, थाइलेंड से लाओस कंबोडिया होकर बह जाती है और ये पूरे विश्व की सबसे लंबी नदियों में बात की जाए तो ये थर्टीन्थ नंबर की नदी है तेहरवी लंबी तेहरवी नंबर की सबसे लंबी नदी है और इसका जो है सबसे ज्यादा इसके जो एक फ्लोएशन रूट है निकलने का जैसे कि बात कर रहे हैं हम तो उसमें क्या है सबसे ज्यादा वाटरफॉल मिलेंगे क्योंकि पहाड़ी एरिया है ना वाटरफॉल वाटरफॉल है तो की जो रूट हैं हैं बड़े स्ट्रीप होते एकदम हाई लेवल से होते हैं स्ट्रीप का मतलब होता है तिरछे आड़े और धारदार तो उसमें क्या होगा जो नौकाओं का जो ट्रांसपोर्टेशन है जो परिवहन सिस्टम होगा वो अगम्य होगा यानी कि वो सुचारू रूप से नहीं चल सकता तो इसीलिए मिकोंग रिवर इंपोर्टेंस है किस किस चीज के लिए म्यांमार के लिए भी थाईलैंड के लिए भी लाहौस के लिए भी कंबोडिया के लिए भी लेकिन ये कहा की जाके गिरेगी ये जाके गिरेगी साउथ चाइना सी साउथ चाइना सी साउथ चाइना सी में जाके अगर गिरती है तो वहां पे पर सब पार्ट कौन सा है येल्लो सी समझ में आई पीला सागर में जाकर गिरती है लेकिन आप मुख्य रूप से किस चीज को याद रखेंगे साउथ चाइना सी में और किस किस देश से होकर बहती है तिब्बत से स्टार्ट हो रही है चीन चीन के बाद म्यांमार थाईलैंड लाहौस और कंबोडिया कंबोडिया को बोलते हैं कंपोचिया अब ये जो है रिवर्स का नाम है मरे डार्लिंग रिवर्स आप लोगों ने पहले पढ़ा होगा मरे डार्लिंग रिवर जो है ये आपकी ऑस्ट्रेलिया से निकलती है यानी कि ऑस्ट्रेलिया में फ्लो करती है और ऑस्ट्रेलिया में फ्लो होने के बाद ये जो कहां पे जाके गिरती है कौन से ओशन में गिरती है आप लोग अगर मेरे को बताएंगे कमेंट बॉक्स में तो थोड़ा सा सही रहेगा अच्छा आपका बेसिकली डिस्ट्रिक्ट कौन सा है विच इज योर डिस्ट्रिक्ट इन राजस्थान क्योंकि मैं एक दो ही जगह गया हूं शायद थोड़ा सा मेरा जो वीडियो है वो लेट शुरू हो रहा है देखना चाहूंगा मैं कहां तक अब ये जो है जो पिक्चराइजेशन मैंने किया हुआ है मरे डार्लिंग रिवर्स का एक मैंने ये गूगल इमेज से उठाया है अब ये दो रिवर है एक तो है मरे दूसरी है डार्लिंग ये कोटा तो शायद ये इंजीनियरिंग की कोचिंग के लिए फेमस है ना मेडिकल और इंजीनियरिंग के लिए अब मरे रिवर का जो ओरिजिन है वो एल्प पर्वत से है एल्प्स अब ये बोलोगे आप सर एल्प माउंटेन रेंज तो यूरोप में लेकिन ये ऑस्ट्रेलियन एल्प्स है इसको याद रखना क्योंकि जब एल्प की चर्चा आएगी ना अगर मैच मेकिंग में आ गया कि मरे नदी का सही मिलान कीजिए सही जोड़ा बनाइए तो उसमें आपको दे देगा ऐसे करके एल्प माउंटेन तो आपके दिमाग में ये ना आए कि जो प्रोमिनेंट एल्प है यूरोप वाला ये यहां से लेकिन दूसरी बात ये सोच सकते हो कि जो मरे का जो ओरिजिन है वो एल्प माउंटेन से ही है तो ये माउंटेन्स जो है एल्प ये ऑस्ट्रेलिया का है अब ये जो है मरे रिवर्स ड्रेन किसमें हो रही है ड्रेनिंग ड्रेनिंग सिस्टम का बताएंगे आप लोग मेरे को तो ज्यादा अच्छा लगेगा क्योंकि ये जो रिवर है आपका ना आप शायद इसको एथ और टेंथ क्लास से पढ़ते हुए आ रहे हैं अब दूसरी जो रिवर है उसका नाम है डार्लिंग देखो इसका जो कॉन्सेप्ट है आप ऐसे समझो भारत में एक नदी निकलती है तुंग पश्चिमी घाट से और यहां से निकलती है भद्रा ओके okay. अब जोन सी रिवर ये दोनों आगे जाके किसी निश्चित पॉइंट में मिल जाती है ना तो वो बन जाती है तुंग भद्रा ठीक इसी तरीके से एक रिवर निकलती है मरे दूसरी रिवर निकलती है भद्रा सॉरी डार्लिंग तो जब ये आगे जाके कुछ किलोमीटर पे कुछ सौ किलोमीटर पे एक वाटर बॉडी में कन्वर्ट हो जाती है ना तो ये बन जाती है मरे और डार्लिंग रिवर्स ये इसका कॉन्सेप्ट है कुछ कॉन्सेप्ट को पढ़ने के तरीके हम विदेशों से उठाएंगे कुछ पढ़ने के तरीके हम इंडियन को पुट कर देंगे टोटल मिला के है कि हमें समझना चाहिए बस, इसके अलावा और कुछ नहीं अब ये जो है जो डार्लिंग रिवर है इसका जो माउथ है जहाँ पे गिर रही है डार्लिंग जाके मिलती है मरे में यानी कि ये वाली नदी जाके मिलेगी इसमें तो डार्लिंग इधर से है मरे इधर से है मिल जाती है किसी पॉइंट पे तो ये बन जाती है सी ये आपको पीपीटी की पिक्चराइजेशन में दिख रही है लेकिन जो सोर्सेज है डार्लिंग रिवर का वो है बैरोवन रिवर ये भी दो तीन ब्रांचेस को मिला के मिलती है बैरोवन रिवर एक ब्रांच इसकी ये है दूसरी ब्रांच क्या है इसकी कोलक्वा रिवर कोलकुआ रिवर अब इन दोनों को मिला के कौन सी बनती है डार्लिंग अब आप इसका कॉन्सेप्ट अगर समझ समझने की कोशिश करोगे ना तो ऐसे है अगर हम इंडियन के रेफरेंस में पढ़ रहे हैं ना तो इसको ऐसे देखो कि ये एक पर्वतमाला है पर्वत श्रेणी है जब गंगा यहाँ से निकल रही है तो बोलते हैं हम उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट है उत्तराखंड का वहां पे गंगोत्री है गंगोत्री का गोमुख है अब गंगोत्री का जो गोमुख है उसमें जो पानी कहीं ना कहीं से आ रहा आ रहा होगा ना तो इसकी एक ब्रांचेस आ रही है भागीरथी फर्स्ट पीक से दूसरी आ रही है सेकंड पीक से फिर आ रही है थर्ड पीक से फिर साइड में एक माउंटेन है यहाँ पे शिवलिंग माउंटेन जो यहाँ से पानी इकट्ठा हो रहा है बर्फ के पिघलने से तो एक ब्रांच ऐसे मिलेगी दूसरी ब्रांच यहां से मिलेगी तीसरी ब्रांच ऐसे चौथी ब्रांच ऐसे जब एक जाके ये पानी आगे की राह पकड़ लेता है तो यहाँ पे कहलाएगा ये गोमुख और फिर आगे जाके ये भागीरथी का प्रारूप है आगे जाके तो आप सभी को पता ही यानी कि पानी की जो ब्रांचेस मिल रही हैं तो एक इसी तरीके से प्राणी की ब्रांचेज है वो है बैरोवन रिवर और बैरोवन रिवर के साथ में जो सी मिल रही है वो है हमारी कैलको रिवर दोनों को मिलाने से क्या बनती है डार्लिंग रिवर और डार्लिंग आगे जाके किस में मिल जाती है मरे में और मरे का जो ओरिजिन पॉइंट है वो कहां से है ऑस्ट्रेलियन एल्प्स अगर कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में अभी पूछो एक्चुअल में ये जो कलर है ना जो लिखा हुआ है इसमें ये थोड़ा सा आपको दिख नहीं रहा होगा ये जो डार्लिंग का सोर्सेस है स्पेलिंग में लिख देता हूं सी यू एल क्यू यू ओ रिवर आर डिनोट रिवर और दूसरा है बैरोन बी ए आर वोन वैरवन रिवर ठीक है इस तरीके से इसको आप पढ़ना कोटा जो है मध्य प्रदेश से लगा हुआ है ना भरतपुर के आसपास से आप मेरे को बताओ जो ये कोटा की जो लोकेशन है वो किस किस से है जुड़ी हुई थोड़ा सा मेरे को इसमें एक आइडिया लेना है इधर से रूट से जाने का एक सेकंड एन अकेडमी वाले भी अभी मैसेज करेंगे कि ये वाली स्लाइड ऐड करो अभी मैसेज कर दिया मैंने कि अभी नहीं कर पाऊंगा में हूं बेसिकली आपने कोई कमेंट मारा था अभी लिखा था मैं उसको पढ़ नहीं पाया क्यों नहीं शो हो रहा? कोटा की जो बाउंड्री लाइन है भरतपुर के आसपास से ऑलमोस्ट है यही मैं पूछ रहा था आपसे हाँ अब जो है मरे जो मरे रिवर की बात की जा रही थी हमसे जो प्रिंसिपल रिवर है ऑस्ट्रेलिया की है और मेन स्ट्रीम ये डार्लिंग बेसिन की बेसिन का मतलब आप किसी नदी के बेसिन रिवर से आप क्या समझते हो बेसिन और कैचमेंट और कैचमेंट और डेल्टा ये तीन चीज हैं। आप मेरे को प्लीज कमेंट में कोई भी तो बताओ क्योंकि मेरे को लग रहा है कि आपने पहले से पढ़ा हुआ है और काफी अच्छा पढ़ा हुआ है इस वजह से मैं आप लोगों से पूछ रहा कोटा सवाई माधोपुर करौली यानी कि आप जो तैयारी कर रहे हैं वो स्टेट पीसीएस की कर रहे हैं इसमें तो कोई समझने वाली बात नहीं है अब ये जो है मरे रिवर की जो लेंथ है वो है 2530 किलोमीटर अब आपने ये मैप देखा होगा इस टाइप से ये ऑस्ट्रेलिया का मैप है अब जो मरे रिवर की चर्चा इसमें की गई है चंबल का बेसिन बहुत ज्यादा एग्जैक्टली exactly. हाँ हम यहाँ पे मरे की आज अभी बात कर रहे हैं पहले इसको पढ़ लेते हैं जो प्रिंसिपल रिवर ऑस्ट्रेलिया है इसका जो एक मेन स्ट्रीम है वो उसकी जो लेंथ है वो है 2530 किलोमीटर और इसकी जो स्टार्टिंग पॉइंट है कि इधर ईस्टर्न साइड है इधर नॉर्दर्न साइड है इधर वेस्टर्न साइड है इधर सर्दर्न साइड है तो साउथ ईस्ट ऑस्ट्रेलियन साइड यानी कि यहां से डायरेक्शन में आप इसको बाट लो साउथ ईस्ट ऑस्ट्रेलियन साइड से जो है स्नोई माउंटेन स्नोई माउंटेन और जो इसका माउथ है वो इधर जाके गिरता है कहां पे ये गिरती है आपकी इंडियन ओशियन में ठीक है ना और जो क्या डार्लिंग रिवर थी वो तो पहले ही मरे में मर्ज हो रही है अब इसमें था जो मेन टाउन्स है ऑस्ट्रेलिया में जो मरे डार्लिंग रिवर्स के कोस्टल बैंक पे स्थित है उनके नाम नाम कौन से मिल्डुरा, मुरे ब्रिज लिख देता हूं यहां पे ये इस, इस कलर में दिखानी होगा मरे ब्रिज ब्रिज मतलब पुल दूसरा है इचुका यहां लिख देता हूं इचुका और स्वान हिल। ये एक तरीके से प्रमुख नदियां हैं प्रमुख शहर है और जो ऑस्ट्रेलिया में जो इस नदी का नाम है इस रिवर का मरे का उसको कहा जाता है कॉर्नियल सेक्रेटरी सर जोर्ज मुरे इसके नाम पे ये नदी का नाम नामांकन किया गया है जैसे कि बात की जाए कि माउंट एवरेस्ट का नाम एवरेस्ट क्यों है क्योंकि उसको सबसे पहले उसकी मेजरमेंट की थी वो सर जॉर्ज एवरेस्ट ने की थी ठीक है ना लेकिन जॉर्ज एवरेस्ट का सिर्फ नाम है उससे पहले भी उसकी जो लेंथ थी या उस पर जो क्लाइम था वो कोई और कर चुका था ताकि नाम तो उसी का होगा इसका रिकॉर्ड में होगा ठीक है ना आप लोगों को पता है कि ब्रिटिशर्स जो थे ये अंग्रेज ये गोरे ये काफी इस चीज में एक्सपर्ट है किसी भी चीज का अः क्या बोलते हैं पैटर्न कराने में पैटर्न बोलते हैं ना उसको हाँ हम बात कर रहे थे जिसका नाम है सर जॉर्ज मुरे सर जॉर्ज मुरे के नाम के बाद इस नदी का नाम क्या हुआ मोरे डेवलप हुआ एक्चुअल में क्या है सर जॉर्ज मुरे ने इसका ओरिजिन पॉइंट देखा होगा सबसे पहले खोजा होगा इस बारे में अब ये जो है जो आज का टॉपिक हमारा शुरू होने वाला था वो है झील यानी कि झील के बारे में पढ़ा पढ़ाया जाएगा और लेक्स ऑफ द वर्ल्ड भारत की जो लेक्स है उसके बारे में चर्चा मैं पहले कर चुका हूं आज जो है इंटरनेशनल लेवल पे बात कर रहे हैं वर्ल्ड ज्योग्राफी का टॉपिक है इसको बोलते हैं फिजिकल ज्योग्राफी लेक सिचुएटेड इन द मिडल ऑफ अर्थ सरफेस यानी कि जो डेफिनेशन है झील की वो ये है कि ये पूरी पृथ्वी का धरातल है और धरातल का ये पूरा सरफेस है सरफेस में कहीं कहीं गड्ढे हैं कहीं कहीं निक्षेप है उसमें पानी का भरना यानी कि पानी का भरना वही झील है यानी कि आपका जो घर का फर्श है ना जो घर का फर्श है टाइल्स है ये आपकी टाइल्स लगी हुई हैं, इस टाइप से समझो इसको है ना बाथरूम की टाइल है घर की टाइल है ये किसी वजह से टूट जाए ये वाला पोर्शन क्रैक हो जाए और इसमें जब आप घर की सफाई कर रहे हो पानी से इसमें पानी भरना शुरू हो जाए तो ये एक झील का ही प्रारूप आप इसको समझ सकते हो मान सकते हो अब ये तो आपका छोटा सा घर हो गया है ना अब इसी के रेफरेंस में अगर हम पढ़ रहे हैं तो ये पूरी पृथ्वी का सरफेस है हाँ जी यही तो मैं स्टार्टिंग में बता रहा हूँ कि ये जो है ऑस्ट्रेलियन कॉन्टिनेंट की है ये ऑस्ट्रेलियन कॉन्टिनेंट बताया था मैंने कि माउंटेन रेंज ऑस्ट्रेलिया वाला वाला यूरोप वाला नहीं तो ये जो है आपका पृथ्वी है या एक धरातल है धरातल में किसी भी वजह से गड्ढे हो गए हैं बड़े बड़े और उसमें पानी भरना शुरू हो गया है पानी जमना शुरू हो गया है पानी जा तो रहा है लेकिन गहराई होने की वजह से वो पानी वापस नहीं जा रहा सरफेस की साइड को यानी कि इनफ्लो है इस साइड पानी का इनफ्लो है इस साइड चाहे वो नेचुरल वाटर हो वर्षा का पानी हो या वो कृत्रिम रूप से भरा गया हो तो ये आपका झील की डेफिनेशन है अब जो झील क्या होगा दो टाइप से होंगी एक तो होगी आपकी फ्रेश वाटर की झील और दूसरा होगा जो नमकीन पानी की झील है साल्टेड वाटर अब ये है धरातल में जिसमें बड़े बड़े गड्ढे हों उसमें पानी भरा होगा तो उसको बोला जाएगा विस्तृत गड्ढे और जल भरा होगा तो बन जाएगी झील अब आप ना प्लीज रिक्वेस्ट है कमेंट डिलीट ना कीजिए क्योंकि कमेंट ये काउंट होते हैं परफॉर्मेंस के बेस पे मतलब कि एक तरीके से इंटरेक्शन और फीडबैक में काउंट होता है तो आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है प्लीज डिलीट ना कीजिए अब टाइप्स ऑफ लेक है कि पूरे विश्व में झील टोटल कितने प्रकार की होती है देखो अभिनत झील अभिनत झील है अभिनत झील का मतलब होता है स्टारिंग लेक स्टारिंग लेक का मीन्स है हमारे पास कि कोई नेचुरल जैसे कि पूरी पृथ्वी है ये प्राकृतिक रूप से प्राकृतिक रूप से ही हमारी कोई ये पृथ्वी है और पृथ्वी पर जब भूगोलिक संरचना में परिवर्तन हुआ है भूगोलिक सन्नति इसको बोलते हैं जियो चेंजेस भूगोलिक सन्नति में जब परिवर्तन हुआ है तो पृथ्वी सुकड़नी शुरू हुई टूटनी शुरू हुई जैसे कि आपका ये कांच का बल्ब है ये इसको आप थोड़ा सा जब ये आपने हीट करा इसको तो गर्म करा जब इसको जला रहे हो हल्का सा तो उस पर कहीं पानी लगा के देखना दूर से ही तो वो बल्ब टूट जाएगा क्रैक हो जाएगा जैसे ही वो पृथ्वी में क्रैक पड़ने शुरू हुए बड़े बड़े तो इन्होंने झील का निर्माण ले लिया यानी कि गड्ढे बने गड्ढे बने तो इनसे क्या हुआ झील का निर्माण शुरू हुआ है और झील का निर्माण शुरू होने के बाद ये तो हो गया पानी भरना शुरू हो गया दूसरा पहला केस है दूसरा केस है भ्रंश दरारी झील फॉल्ट लेक बोलते हैं इसको इंग्लिश में फॉल्ट लेक भ्रंश दरारी का मतलब ये होता है जैसे कि हमारी नर्मदा रिवर है ना वो विभ्रंश घाटी में या भ्रंश घाटी में बहती है जिसको रिफ्ट वैली बोलते हैं तो उसका कॉन्सेप्ट कुछ इस तरीके से है ये आपका एक सरफेस है कोई भी लैंड समझ लो आप ये एक सरफेस सरफेस है हाँ अभिनय झील जो है जिनेवा जिनेवा आपका स्विट्जरलैंड में ही है तो मुख्य रूप से जब जो साइक्लिनिक चेंजेस पृथ्वी के अंदर वाले पार्ट में हुए हैं ये तो स्टारिंग लेक जो अभिनय झील बन रही है ये तो चेंजेस हुए हैं बहुत पुराने समय में प्री पेलियोजोइक में पेल्योजोइक ईरा में हेलोसिन ईरा में लेकिन जो विभ्रंश वाली घाटी है या विभ्रंश झील है जिसको फोल्ट लेक बोलते हैं रिफ्ट लेक बोलते हैं जब ये ब्रेक हुआ यानी कि कोई सरफेस है ये बीच में से ब्रेक हुआ ब्रेक होने के बाद इसका जो हिस्सा है कुछ इस तरीके से हो गया ये ये देखो इस टाइप से यानी कि इसको ये जो पॉइंट ए बी सी और डी इस टाइप से जो वैली बन रही है और इसमें जो पानी का इनफ्लो आके रुक गया है और पानी बाहर नहीं निकला तो इसको कहा जाएगा एक फॉल्ट लेक क्या कहा जाएगा फॉल्ट लेक भ्रंश दरारी झील और क्रेटर क्रेटर तो आपने पढ़ा होगा बहुत ही इजी सा है जब आप किसी पर्वतीय भाग में जाते हैं और जहां पे आपने देखा हो कि ग्लेशियर वाला एरिया है ग्लेशियर है जहां पे तो ग्लेशियर जो पर्वत के ऊपरी वाले भाग हैं ये माउंटेन रिज़ेस हैं जहां पे पूरे के पूरा स्नो पड़ा हुआ है बर्फ पड़ा हुआ होता है क्रेटर एग्जैक्टली exactly. जहा पे ये बर्फ पड़ा हुआ होता है तो उसके जब हम ढाल वाले एरिया पे जाएंगे ना स्लोप वाले एरिया पे आएंगे तो वहां पे क्या होगा ये आपको बड़े बड़े बोल्डर दिखाई देंगे बोल्डर मीन बहुत बड़े बड़े पत्थर और पत्थरों के अंदर से क्या होगा पानी रिश्ता रहता है पानी बहता रहता है आप मेरी बात यहाँ पे थोड़ा सा समझने की कि कीजिए जो क्रेटर है ये ग्लेशिय फॉर्म में होता है और ग्लेशियर जो है जो आप ज्वालामुखी जब सूख जाता है जब वो अपना क्या बोलते हैं जब नॉन एक्टिव फॉर्मेशन में होता है जैसे कि हिमालय में बहुत सारे ग्लेशियर्स हैं जब वो सॉरी जो ज्वालामुखी है जो बाद में विस्फोट के बाद वो नॉन एक्टिव हो गए तो उनमें बर्फ पड़नी शुरू हो गई है तो उसके बाद वो क्रेटर में कन्वर्ट हो गए हैं तो ये जो आपका क्रेटर फॉर्मेशन है ये ज्वालामुखी के लिए भी है ये ग्लेशिया फॉर्म के लिए भी है जो ये पानी है पानी इसके ऊपर बर्फ भी हो सकती है स्नो का पता नहीं होता कहां, कहां पे है कहां, कहां पे नहीं है और पानी की जो फॉर्मेशन है उसका भी आप सही रूट का अंदाजा नहीं लगा सकते हो तो क्रेटर आपका ग्लेशियर के स्लोप के एरिया पे मिलते हैं जहां पे स्लोप जोन शुरू होता है ग्लेशियर एरिया का क्रेटर और जो ये ग्लेशियर झील है ये आपका प्योर फॉर्मेशन पे ग्लेशियर में ही होती हैं ग्लेशियर से ही जैसे कि एक आपका माउंटेन रिज ये हो जाएगा दिस वन फिर दूसरा ये है और तीसरा आपका मैंने बताया ना ज्वालामुखी विस्फोट जब विस्फोट हो चुका है उसमें जब थाउजेंड्स ऑफ इयर्स उसमें लग रहे हैं ठंडा होने में और वो जियोसाइक्लिनिक चेंजेस उस चीज में हो रहे हैं तो वहां पे किसी भी चीज का जमावड़ा शुरू हो जाएगा शेलस का हो बर्फ का हो स्नो का हो पानी का रूट हो वो सही भी अब आप आपका क्रेटर की फॉर्मेशन में होता है अब जैसे कि ये आपका एक फॉर्मेशन इधर हो जाएगा ग्लेशियर की एक इधर हो जाएगी वन टू थ्री फोर तो जो यहाँ पे पानी जमा होएगा यहाँ पे जो पानी का जमा होना होगा वो आपका कहलाएगा हिमानी झील यानी कि ग्लेशियर की झील ग्लेशियर झील जैसे कि अगर हम बात करते हैं मुख्य रूप से तो जो ग्लेशियर झील है उसका जो बेस्ट एग्जाम्पल है वो है हमारी क्या बोलते हैं हेमकुंड साहिब अगर आप आप लोग गए होंगे जो सिखों से संबंधित एक गुरुद्वारा है हेमकुंड ग्लेशियर वाली झील है है ना दूसरा अगर मैं इसका बेस्ट एग्जाम्पल दू सतोपंथ लेक सतोपंथ लेक और इसका जो तीसरा एग्जाम्पल तो पाकिस्तान में है सैफ मलूक ये झील भी आपकी ग्लेशियर की फॉर्म में है हिमानी झील है और इंटरनेशनल लेवल पर चलता हूं तो आपका ये बोलीविया बोलिविया की लेक है कौन सी टिटी काका आपकी मतलब कि ग्लेशियर के फॉर्मेशन में मिलती है और झील अच्छा आपने क्या बोलते हैं राजस्थान का पीसीएस का एग्जाम दिया है क्या या फिर मध्य प्रदेश पीसीएस बताओ मैं थोड़ा सा आपके कमेंट बॉक्स में इंतजार कर रहा हूं आप लोग क्या लिख के भेजते हैं उसके बाद हम लेख का टॉपिक आगे कंटिन्यू करेंगे मध्य प्रदेश पीसीएस हो या फिर आपका क्या बोलते हैं राजस्थान पीसीएस हो कुछ भी नोट रिस्पॉन्स स्टिल कोई बात नहीं आगे का जो टॉपिक है बैकाल लेक के बारे में पढ़ रहे हैं हम जिसको बोलते हैं बैकाल झील और रशिया मैंने इसलिए लिख दिया कि आप लोगों को तो माई डियर फ्रेंड आपने अभी तक कौन कौन से एग्जाम दिए हैं बैकाल लेक इसका जो स्थिति है यानी कि इसकी जो लोकेशन है वो है आपकी रशिया में ये जो आपको पिक्चराइजेशन दिख रहा है ना ये इस टाइप से एक झील का बहुत ब्यूटीफुल लोकेशन है ये आपकी बैकाल लेक ही है जो मुख्य रूप से या पूर्ण रूप से आपकी रशिया में मिलती इसके फैक्ट के बारे में भी बात करेंगे ये देखो अगर बात की जा रही है कि इसकी लोकेशन कहाँ पे है लेक बैकाल जहां पे ये ब्लू ब्लू कलर की वाटर बॉडी है जो मैं आपको अपने ये मार्कर से दिखा रहा हूं मुख्य रूप से ये आपकी लेक लेक बेकाल है बैकाल झील और इसका जो ओरिजिन पॉइंट है वो रशिया में ही है पूरी की पूरी रूप से फैली हुई है अब यहाँ पे ये जो अगर आप देख रहे हैं ये ब्लैक कलर की जो ये बाउंड्री लाइन है साइबेरिया रूस एग्जैक्टली इक, ठीक है सही कहा आपने यही मैं आपको बताने वाला था ये बाउंड्री लाइन भी है लेकिन यहाँ पे आप ठीक ठीक से देखेंगे ना तो जैसे कि अगर आप इस स्लाइड्स को जूम करके मैं पढ़, पढ़ के बताना चाहूं जैसे कि टुल लिखा हुआ है ये तो टुलून यहाँ पे रशियन लैंग्वेज में लिखा हुआ है जैसे यहाँ पे इस पहले फॉर्मेशन पे आ जा जाओगे जा तो खिलोक लिखा हुआ है तो अगर आप इस चीज में ज्यादा कंफ्यूज ना हो तो सीधा सीधा यहाँ पे देख लेना गूगल करके खुद अब आप इसको ठीक से देखोगे ना ये देखो ये जो बैकाल लेक है इसके बीच से भी एक बाउंड्री लाइन जा रही है ये जो मैंने अभी अभी इसको ड्रॉ किया है ये जो पॉइंट ए से पॉइंट बी तक मैं आपको बता रहा हूं ये एक बाउंड्री लाइन है लेकिन आपने लिखा है कि बैकाल लेक जो है साइबेरिया में है लेकिन आप मेरे को ये बताओ कि जो बैकाल है ये खारे पानी की झील है या एक फ्रेश वाटर लेक है प्लीज टेल मी इन कमेंट बॉक्स बताओ कि ये कौन से पानी की झील है गर्म मीठे पानी यानी कि फ्रेश वाटर लेक है अब इसके बारे में जो बात करेंगे जो फैक्ट है सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि सबसे गहरी झील है पूरी दुनिया की गहरी है सबसे ज्यादा डीपेस्ट है गहरी और जिसकी जो डेप्थ है वो है 1642 मीटर यानी कि एक मीटर की इसकी गहराई है और इसका जो एरिया है एरिया की बात करते हैं कि इसकी लेंथ कितनी है कहाँ से कहाँ तक है टोटल मिला के जो एरिया है थर्टी वन थाउजेंड सेवन हंड्रेड ट्वेंटी टू किलोमीटर क्योंकि अगर सबसे बिगेस्ट लेक पूछ रहा है और उसका एरिया उसने मेंशन कर दिया तो हो सकता है कि आप लोगों को थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाए कि एंड टाइम पे अगर भूल जाओ तो आप लोगों को पता होगा जैसे कि लिस्ट ए से लिस्ट बी मैच करनी हो इस टाइप से मैचिंग का काम कर रहे हो तो यहाँ पे लेक का नाम हो नेम ऑफ द लेक और यहाँ पे क्या हो एरिया दिया हुआ हो आपको इतना तो पता है कि यार अब पता नहीं इसमें से कौन सी बड़ी है लेकिन क्या है आपको यह पता होना चाहिए कि 31000 के आसपास का जो एरिया है वो बेकाल का है जहां भी वो डिजिट मैच करेगी ना आप उसके नाम से उसको कवर कर लोगे यानी कि एक तरीके से इसको बोलते हैं एलिमिनेशन प्रोसेस से आप उसको टिक भी कर सकते हो लेकिन जब बात लिखने की आएगी जब इस पे डिस्प्यूट की बात आएगी तो आपको एक्यूरेट ना पता हो के भी हो तो 31 किलोमीटर स्क्वायर भी लिख देंगे ना लगभग अप्रोक्स करके तो यह भी आपका तब भी मान्य होता है अब ये जो है एक टाइप से ये प्राचीन सबसे प्राचीन नदियों में से आती है झील में से आती है अगर आपने एक क्या बोलते हैं एक बुक है राहुल संस्कृत इनकी फ्रॉम वोल्गा टू गंगा वोल्गा टू गंगा ये एक बुक है ये लिखी है राहुल संस्कृत ने इसको आप पढ़ना तो इसमें आपको पता चलेगा कि जो टॉपिक मैंने यहाँ पे लिखा है ना ये जब हमारे भारत में वेदों की रचना नहीं हुई थी या सिंधु घाटी सभ्यता है उससे भी पहले की बात है मतलब कि एक तरीके से उसको मिथोलॉजिकल को फिक्शन रूप में बताने की कोशिश की गई है तो ये जो है लेक बेकाल जो है साइबेरिया में सभी को पता है जो मानव की उत्पत्ति है अफ्रीका में हुई है कैसे कैसे वो यूरोप की साइड होते हुए अफ्रीका क्या बोलते हैं रशिया तक गया रशिया से फिर वो अमेरिकन साइड में गया फिर उसके बाद वो पूरे विश्व में फैलने शुरू हो गए एंशियंट लिखने का मतलब यहाँ पे यही था तो जो लेक बेकाल है मीठे पानी की झील है और सबसे बड़ी है और जैसे मैंने बताया सॉरी आपने बताया कि साइबेरिया में है और ये बाउंड्री जो बना रही है ये बनाती है नॉर्थ ऑफ मंगोलियन बॉर्डर जैसे कि मैंने आपको बताया था ना कि ये एक बाउंड्री लाइन है तो ये जो बाउंड्री लाइन बनाती है ऊपर तो हो गया आपका साइबेरिया है ना और यहां से है ये दूसरा आपका मंगोलिया मंगोलिया अच्छा आप मेरे को बताओ वेयर इज द कैपिटल ऑफ मंगोलिया मंगोलिया की कैपिटल क्या है रशिया की तो आप लोगों को पता ही होगा कि ये मॉस्को है मंगोलिया की कैपिटल है आप लोग कमेंट में करके बता सकते हो अदरवाइज मैं तो खुद लिख दूंगा वेट करूंगा मैं आपका ऑलमोस्ट दस बारह पंद्रह बीस सेकेंड अगर बता दिया तो ठीक है अदरवाइज मैं अगली स्लाइड में खुद ही बता दूंगा ठीक है ना अगर नहीं पता तो आप कमेंट में ये भी लिख सकते हो कि यू कैन टेल प्लीज मैं भी बता सकता हूँ अब बात कर रहे हैं हम कैस्पियन सी ये भी एक झील है सी के नाम से ये मत इसको आप सोच लेना कि एक झील कैसे है लेकिन हाँ इसका एरिया इतना बड़ा है कि झील जैसा ना लग के ये सागर की तरह लगता है उलान बटोर शाहबाज उलान पटोर इज द कैपिटल ऑफ मंगोलिया हाँ देखो अब ये जो कैस्पियन सी है कैस्पियन सी इसके चारों तरफ कौन-कौन से देश बसे हुए हैं किस-किस की बाउंड्री लाइन टच होती है ये क्वेश्चंस आपका पीसीएस मध्य प्रदेश और दो बार ये आ, क्या बोलते हैं उत्तर प्रदेश पीसीएस में और यूपीएससी में भी पूछा गया है तो देखो नंबर फर्स्ट है आपका रशिया है ना और फिर है कजाकिस्तान कुछ कुछ बच्चे मुझसे बोलते हैं सर उजबेकिस्तान से भी बाउंड्री लगती है पर वो ये भूल जाते हैं कि जो की बाउंड्री है ना वो देखो थोड़ी सी हटके यहां तक है लेकिन यहां से ये यह बाउंड्री लगती है ये लग जाती है तुर्कमेनिस्तान की यानी कि दूसरा देश है यहाँ पे तुर्कमेनिस्तान उज्बेकिस्तान नहीं है दूसरा देश है यहाँ पे तुर्कमेनिस्तान तुर्कमेनिस्तान अब आपको पता है जितने भी ये देश हैं सेंट्रल एशिया के से ऊपर के देश हैं सेंट्रल एशिया यानी कि ये ये रूस के पार्ट थे ये यूरोप के पार्ट हैं आज इधर वाले जो मैं बता रहा हूँ और इधर आपका नीचे वाले पार्ट ये आपके एशियन पार्ट है माइनर एशिया भी बोलते हैं इसको तो हिस्ट्री का रेफरेंस से पढ़ोगे इंटरनेशनल रिलेशन के टॉपिक से पढ़ोगे तो भी इस चीज को समझ जाओगे कि हिस्ट्री में कहा गया कहा जाता है कि जो आर्यन लोग थे वो मध्य एशिया से आए थे जो मध्य एशिया वाला एरिया है वो यही तो है कैशपियन सी के आसपास वाला जहाँ से ये एशिया माइनर लगता है ईरान से अजरबैजान और ये अर्मेनिया, इराक सुपर वाला एरिया अर्मेनियार्की जहाँ पे बोगस खोई का भी आपको उल्लेख मिलता है के बारे में आप लोगों ने सुना होगा कि एक ये शिला लेख है जिसकी भाषा लगभग हमारे ऋग्वैदिक पीरियड से मिलती है ऋग्वैदिक से मिलती है और उसमें राजाओं की संधि के बारे में बताया गया है ठीक है ना हाँ तो पहला देश हो गया जहाँ पे कैशपियन सागर के आसपास बसा हुआ है रसिया दूसरा है कजाकिस्तान तीसरा है तुर्कमेनिस्तान। My dear friend, आपने कहा है जी सर मध्य एशिया से ही आए थे। लेकिन कुछ लोग बोलते हैं कि एशिया से नहीं आए थे वो भारतीय ही थे थोड़ी सी जो आर्यन थ्योरी है ना अभी भी कंट्रोवर्शियल है उनका सही से ओरिजिन नहीं पता है कि वो कहां से आए थे और ईरान है ना और यहां पे एक देश देखेंगे कंफ्यूज ना होना किसी भी तरीके से ये जो लिखा हुआ था ना अजरबैजान तो अजरबैजान है ये यहाँ पे है ये ये भी बाउंड्री लाइन टच करता है जिससे आजकल किससे इसका पंगा चल रहा है बताना जरा अगर आप न्यूज देखते हो तो अजरबैजान और दूसरा कौन सा देश है और यही एक दो तीन चार पांच पांच देश हैं जो कैस्पियन सागर के आसपास में बसे हुए हैं भारतीय इतिहास में कहा गया है कि ये यही मतलब कि ये मध्य एशिया से आए थे और जो स्वामी क्या नाम है क्या नाम है शंकर करके दयाशंकर क्या नाम है उनका उन्होंने बताया था कि वो मध्य एशिया से आए हैं और जो अम्बेड बी आर डॉक्टर बी आर अम्बेडकर उन्होंने कहा है कि ये लोग क्या बोलते हैं बाहर से आए हैं और पंडित नेहरू ने और जो लोकमान्य तिलक थे उन्होंने अपनी अपनी थ्योरी दी है वट एवर जो भी है अब आप ठीक से जो मैप है एक तो ये जो मैप है लेक कैस्पियन का ये थोड़ा सा एक इमेजेस है लेकिन दूसरा कॉन्सेप्ट मैंने गूगल से उठाया हुआ है ताकि किसी चीज का कोई कंफ्यूजन ना हो वो ये है देखो आप लोग ये कैस्पियन सी है जो कैस्पियन सी है इसके आसपास के जो देश हैं देखो ये रहा अजरबैजान कैपिटल तो इसकी पता ही है बाकू और ये है रशिया और इधर आ जाओ आप ये तुर्कमेनिस्तान अगर किसी बच्चे को कोई डाउट है कि ये उज्बेकिस्तान है तो आप देखो उज्बेकिस्तान की बाउंड्री लाइन यहां से ये ऐसे करके यहां तक खत्म है तो ये उज्बेकिस्तान का एरिया है जो इधर ये जाके कनेक्ट नहीं हो रहा है और नीचे के जो एरिया है मैंने आपको बताया ही था ईरान है इसके नीचे वाला एरिया जाएंगे तो ये जो लिखा हुआ है ना तब्रिज ये ईरान का एरिया है तो आप लोग इस चीज को समझ गए होंगे अब जो कैस्पियन सी है कहते आते हैं कि एक इनलैंड बॉडी लार्जेस्ट झील है यानी कि इनलैंड बॉडी समझ सकते हो आप इनलैंड बॉडी का मतलब है ये एक झील है जिसके चारों तरफ कोई ना कोई देश है कोई ना कोई धरातल है या मुख्य रूप से कोई ये किसी वाटर बॉडी से नहीं जुड़ा हुआ है चाहे वो साइबेरिया है तो फ्रेश वाटर की सबसे बड़ी है लेकिन अगर बात करते हैं हम सरफेस की तो इसमें सरफेस के बेस पे जो हमारी ये कैस्पियन झील है सबसे बड़ी है देखेंगे चारों तरफ से जो धरती से घिरी हुई हो हाँ पांच देश हैं। कैस्पियन सी इज द वर्ल्ड लार्जेस्ट इनलैंड बॉडी ऑफ द वाटर अब इसमें पानी की धाराएं कौन कौन सी गिरती हैं? पानी की धारा जो मतलब काफी दूर से चल के आ रही हैं, स्ट्रीम्स को बोलते हैं रिवर या नदी तो वोल्गा रिवर है यूरोप की सबसे लंबी है यूराल रिवर है यूराल रिवर का जो ओरिजिन है वो यूराल माउंटेन से है टेरेक रिवर है और माउंट केवरी एम टी केवरी माउंट केवरी बोलते हैं इसको और जो एरिया है लेक कैस्पियन का वो है थ्री लैक सेवेंटी वन थाउजेंड किलोमीटर स्क्वायर ठीक है ना कंट्रीज देखो जैसे मैंने आपको बताया था ईरान रशिया कजाकिस्तान अजरबैजान और तुर्कमेनिस्तान अब आप लोगों को मुख्य रूप से अगर मैं बताना चाहूं या पूछना चाहूं तो एक सेकंड जरा मैं अपने पेन का कलर चेंज कर दूं यहां पे। देखो ईरान की जो राजधानी है आप सभी को पता होगा तेहरान है ना और जो रसिया है मास्को कजाकिस्तान की बजाना क्या है थोड़ा सा कजाकिस्तान की राजधानी की चेंज हुई थी वो भी और अजरबैजान की तो मैंने अभी बताई थी बाकू तुर्कमेनिस्तान की अशाबगट अशकबट हाँ रशिया की तो है मास्को कजाकिस्तान की क्या है तुर्कमेनिस्तान की है अस्कबट अस्कबट भी बोलते हैं उसको द कैपिटल ऑफ द कजाकिस्तान ये थोड़ा सा भी माइंड से स्लिप हो गया आप लोगों को उम्मीद करता हूँ अच्छा, अस्थाना। यार अस्थाना मैं थोड़ा समझ नहीं पा रहा एक्चुअल में ये जो कंट्रीज है ना कजाकिस्तान खजाकिस्तान इसमें से एक की कैपिटल अभी चेंज हुई है अस्थाना वाली तो नहीं थी कहीं वो वहां के जो एक्स प्रेसिडेंट साहब है ना उनके नाम पे रखी गई है देख लेंगे इसको आप थोड़ा सा मुझे इसमें डाउट है आपने बताया अस्थाना कजाकिस्तान की ठीक है जब आप लोगों ने बताया है तो ठीक ही होगा ये जो है आपका लेक सुपीरियर लेकिन अभी डेढ़ साल पहले एक चेंज हुई थी कैपिटल लेक सुपीरियर के बारे में बात करते हैं जो सुपीरियर लेक है ये आपकी है यूनाइटेड स्टेट्स में यूनाइटेड स्टेट्स और यूनाइटेड स्टेट्स की बात कर रहे हैं तो उसका एरिया आपको ये था जो मैंने अभी सर्कल बनाया हुआ है और ये जो है एक बाउंड्री लाइन बना रही है किसके साथ ओंटीरियो के साथ, साथ। यानी कि ये जो ऊपरी हिस्सा है ये वाला ये है ओंटीरियो की साइड ठीक है ना और इसके अलावा ये जो बहुत छोटी छोटी यहाँ पे लेक है छोटी का मतलब ये भी नहीं कि बहुत छोटी है लेकिन देखेंगे एक लेक आपकी यहाँ पे है दूसरी ये यहाँ पे है तीसरी यहाँ पे है तीसरी यहाँ पे चौथी यहाँ पे है पांचवी यहाँ पे है तो इस तरीके से जो यूनाइटेड स्टेट्स में यानी कि नॉर्थ अमेरिका में जो झील है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक है तो जिसमें से एक है लेक सुपीरियर जो लेक सुपीरियर का एरिया है वो है एट्टी टू थाउजेंड वन हंड्रेड थ्री किलोमीटर स्क्वायर क्योंकि लेंथ हाँ वही ना आपने बताया था ना अस्थाना मैंने कहा नूर सुल्तान बिन नूर सुल्तान नूर सुल्तान जो थे वहां के फर्स्ट प्रेसिडेंट साहब थे उनकी मेमोरी में ही उनकी जो अस्थाना कैपिटल है उसको चेंज किया गया बस नाम चेंज किया गया है ये जो एरिया है वो कितना है एट्टी टू थाउजेंड वन हंड्रेड थ्री किलोमीटर स्क्वायर और कैचमेंट एरिया की बात करते हैं देखो कैचमेंट एरिया का मतलब आप लोगों से मैंने पूछा था लेकिन अभी किसी ने बताया नहीं कैचमेंट एरिया का मतलब है जैसे कि पूरी लेक है ये एक झील है अब इससे जो पानी है जो ड्रिंकिंग वाटर है वो कितने एरिया तक कवर कर रहा है फिर इस पे जो बनने वाले जो मतलब कि हाइड्रो प्रोजेक्ट है उससे इलेक्ट्रिसिटी यानी कि जो एनर्जी है जो ऊर्जा है वो कहां कहा तक एरिया तक जा रही है और दूसरा है ड्रिंकिंग वाटर और 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 ये जो है हमारा हाइड्रो प्रोजेक्ट के साथ साथ जो है इरिगेशन सिस्टम के लिए पानी कहाँ तक कहाँ तक प्रोवाइड किया जा रहा है तो ये जो मुख्य रूप से जहाँ जहाँ एरिया को कवर करेगा वो आपका कहलाएगा कैचमेंट एरिया चाहे वो आपका ईरान का एरिया हो चाहे वो आपका रशिया का एरिया हो चाहे वो आपका क्या बोलते हैं उजबकिस्तान का हो और अजरबैजान का हो ठीक है ना अब ये जो है इसकी जो मैक्सिमम डेप्थ की बात करें जो गहराई है कि ये जो लेक है हमारी लेक सुपीरियर ये कितनी गहरी है ये है लगभग 406 मीटर 406 मीटर उतनी ज्यादा कोई खास गहराई भी नहीं है अगर दूसरे झीलों की कंपैरिजन की जाए तो अब ये जो है पूरी दुनिया में सबसे बड़ी जो फ्रेश वाटर की लेक है वो तो है लेक बैकाल जो साइबेरिया में है लेकिन अगर बात करते हैं यूनाइटेड नेशन में जो सरफेस एरिया की बात कर रहे हैं लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक जो सरफेस एरिया पे है जो धरातल पे बनी हुई है तो वो उसमें हमारी है ये लेक सुपीरियर अब इसमें बात करते हैं वॉल्यूम के बेस पे आ, मैं जी दिल्ली से थर्ड लार्जेस्ट है वॉल्यूम के बेस पे वॉल्यूम मतलब धरातल सॉरी आयतन के बेस पे आयतन का मतलब आप सभी को पता होगा कि इसकी लेंथ कितनी है इस टाइप से विड्थ कितनी है और साथ में इस लेक सुपीरियर की गहराई कितनी है इस टाइप से इसको समझ सकते हो वॉल्यूम कि किसी का काउंट करना हो तो थर्ड लार्जेस्ट में इसका नाम आएगा और आप लोग कहां से देख रहे हो अब इसमें जो प्राइमरी फोकस है हमारा किसकी चीज पे है देखेंगे जो प्राइमरी इनफ्लोस इनफ्लोस का मतलब है जोन जोन सब पानी की बॉडी या धरातल मतलब कि जो नदियां हैं इसमें गिरती हैं कौन-कौन सी नदियां इसमें गिरती हैं निपिगोन आप इसको याद रखेंगे निपिगोन है सेंट लुइस है दिख रहा होगा ना स्क्रीन पे सेंट लुइस है पिजन है पिक है वाइट है मिसिसिपी मिसिसिपी कॉटन है और कामिन सिटकुटिया इसको नाम है कामिनी सिटुकिया कामिनी सिटुकिया और ओंटेगोन है और तुके रिवर्स अब आज तक जो है ये किसी भी कंपटीशन में एग्जाम में वैसे नदियों के नाम पूछे नहीं गए हैं वॉल्यूम के बेस पे पूछा गया है कि किस नदी का आयतन सबसे ज्यादा है तो लेक सुपीरियर का है और ये कहाँ पे है यूनाइटेड स्टेट्स में और कैचमेंट एरिया किसके साथ है कनाडा के साथ है लेकिन इसमें कौन कौन सी नदियां गिरती हैं ये मुख्य बात है यानी कि एक नदी है कोई सॉरी एक झील है इसमें एक नदी यहाँ से है एक यहाँ से है एक यहाँ से एक यहां से तो इनके नाम है सेंट लुइस आप दो मुख्य तो रूप से याद रखेंगे और एक याद रखेंगे इसको मिशिप कॉटन ये जो है तीसरी मिसिप कॉटन ये एक के साथ है ठीक है मिसिप कॉटन फर्स्ट निपिकॉन और दूसरी है सेंट लुइस अब ये जो यहाँ पे पानी जमा हो गया है तो यहाँ पे एक दूसरा कोई वाटर फ्लो होगा ना तो जो वो वाटर फ्लो है वो उसका नाम क्या है उसका नाम है सेंट मारियर्स रिवर क्या नाम है सेंट मारियर्स रिवर्स जो यहां से इसका ओरिजिन पॉइंट है अब इसके अलावा जो है नई लेक के बारे में बात की जा रही है उसका नाम है लेक मिशिगन लेक मिशिगन अब मैंने आपको यह बताया था आपने तो अपनी जगह का नाम नहीं बताया कि आप लोग कहां से पढ़ रहे हो किस शहर से तो मैंने बताया था कि ये जो लेक है ना लेक सुपीरियर तो इसके आसपास बहुत सारी लेक है मुख्यतः पांच है एक दो तीन चार और ये है आपकी पांच तो इसके बाद जो हम बात कर रहे हैं वो है हमारी लेक मिशिगन जो लेक मिशिगन है वो लेक सुपीरियर तो ये वाली है ना एस और ये मिशिगन ये वाली है तो इसको टारगेट करेंगे इस बार हम टारगेट करने के उद्देश्य यहाँ पे है कि ये किस किस देश के साथ बाउंड्री लाइन बना रही है आप देखेंगे ना बाउंड्री लाइन अगर आप ठीक से इसको कार्टोग्राफी आपने करी होगी कार्टोग्राफी मतलब मैप आप आपने ठीक से पढ़ा होगा तो ये देखेंगे ये बाउंड्री लाइन इस टाइप से है सीधी सीधी बिल्कुल तो इधर आपका यूनाइटेड स्टेट्स है और इधर आपका कौन सा है कैनेडा और कैनेडा स्टेट की बात की जाए तो वो है हमारा तो लेक मिशिगन की जो विड्थ है, लेंथ है, एरिया है जो एरिया है इसका फिफ्टी एट थाउजेंड किलोमीटर स्क्वायर यू देयर माई डियर फ्रेंड आई होप यू हैड गॉन आप शायद जा चुके हो तो ये जो अठावन हजार किलोमीटर स्क्वायर इसका एरिया है अब इसमें जो है मुख्य रूप से हम बात कर रहे हैं कि इसकी सिटीज कौन कौन सी है फेमस सिटीज है शिकागो जिसको हम शिकागो पढ़ते हैं शिकागो है मिशिगन सिटी है एक नदी भी है मिशिगन इसकी बात मतलब झील है इसके बारे में पढ़ाया जा रहा है अभी मिशिगन और दूसरा है मिलवाकी और ग्रैंड हेवन हेवन भी एक प्रमुख शहर है जो आपका मिशिगन नदी के किनारे में बसा हुआ है और जो अरे यार जो ये पूरे मुख्य रूप से पांच झील के बारे में मैंने आपको बताया है वन टू थ्री फोर वन मिशिगन सुपीरियर और इसके अलावा जो और भी है क्या हुआ क्या हुआ, क्या हुआ? विचारों से ध्यान में सब ठीक है हां हो ठीक है मैं नोट्स बनाऊंगा फिर नहीं जो पांच नदियां हैं उनके बारे में बात की जा रही है मैं चलूंगा हॉस्पिटल चलूंगा मैं हॉस्पिटल हाँ ठीक है बस पंद्रह मिनट और पढ़ता हूँ ये जो है आपका ग्रेट लेक्स लेक पे है नॉर्थ अमेरिका में है यशपाल वेलकम सर ये जो है सेकंड लार्जेस्ट झील है और जो सेकंड लार्जेस्ट झील है तो किसके बाद है लेक सुपीरियर के बाद है यानी कि थर्ड नंबर पे है आपकी लेक मिशिगन सेकंड नंबर पे है आपका लेक सुपीरियर लेक हुरून और नंबर फर्स्ट है लेक सुपीरियर ये तीन का फॉर्मेशन याद रखना दोस्तों मुख्य रूप से जो हम पढ़ रहे हैं इसको अराल सी के बारे में पढ़ेंगे सुपीरियर एग्जैक्टली exactly, हाँ जी अराल सी, देखो ये जो अराल सी है या जो अराल समुद्र है इसके बारे में आपने पढ़ा होगा कि कैसे इसके जो पड़ोसी देश हैं जैसे कि कजाकिस्तान है उज्बेकिस्तान है और सेंट्रल एशिया के आसपास के पढ़ने वाले देश हैं कैसे इन देशों ने मिलकर इस एक अच्छे खासे समुद्र को सुखा दिया है ड्रिंकिंग वाटर के लिए और इसका पानी सींच सींच के अपने वाले एरिया में स्टोर कर लिया है तो ये जो है एरिया यानी कि अराल सी का ये कहाँ पे पड़ता है ये है खजाकिस्तान ये भी एक बहुत बड़ी झील ही थी जो अब बिना पानी के हो गई है सूख गई है दूसरा है उजबेकिस्तान और इसके अलावा ये जो मुख्य देश हैं वे सेंट्रल एशिया के और भी कंट्रीज में शामिल हैं अब कैचमेंट एरिया जो है इसका ऑलमोस्ट 1.5 मिलियन किलोमीटर है भैया कैचमेंट एरिया तो इसलिए बढ़ेगा ना ताकि इसका पानी जो है अपने अपने क्षेत्र में लोगों ने पहुंचा लिया है और एक्चुअल में में ये 1960's में जो इमेजेस होती है सेटेलाइट के थ्रू उसमें देखा गया था कि इसका जो एरिया है ना वो श्रिंक हो रहा है श्रिंक का मतलब है कि वो एरिया उसका सिकुड़ रहा है बाद में पता चला कि सिकुड़ क्यों रहा है क्योंकि उस झील का पानी विभिन्न देशों ने यानी कि जैसे कजाकिस्तान है उज्बेकिस्तान है तुर्कमेनिस्तान है सेंट्रल एशिया के और भी देश हैं, उन्होंने अपने अपने देशों में इसको ड्रिंकिंग वाटर के रूप में प्रयोग करा एग्रीकल्चर वाटर में यूज करा कैनाल सिस्टम के लिए यूज करा और पानी का इतना ज्यादा दोहन करा इतना ज्यादा इसको यूज करा कि ये जो समुद्र है या ये जो झील है अराल सी अराल सागर अराल लेक ये अब बिल्कुल पूर्ण रूप से सूख चुका है सूखने का मतलब ये नहीं कि पूरा ड्राई है लेकिन जो तलछट वाला पानी है जहाँ पे किचड़ हमेशा रहता है और कहीं कहीं एरिया में इसकी ड्राइनेस भी मिलती है लेकिन ड्राइड अप ये कब पूरा हुआ है? 2010 में स्टडी में कहा गया था कि 2010 में ये पूरा सूख जाएगा और ये 2012-15 के बीच में ये पूरा सूख गया है माय डियर फ्रेंड यशपाल यदुवंशी बताओ दोस्त कुछ डाउट हो तो पूछो यार तभी तो कोई डाउट हो तो पूछना जरूर अब दोस्तों टॉपिक को मैं आज के लिए यहीं पे एंड करता हूं प्लीज वाइल यू सब्सक्राइब मी प्लीज़ लाइक माई वीडियो शेयर माई वीडियो एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स हु आर प्रिपेयरिंग फॉर कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन और ये जो मेरा कोड है प्लीज़ इसको यूज़ करना ना भूलें ये आपको टेन परसेंट का डिस्काउंट भी प्रोवाइड कराएगा और ऑल ओवर द फीस और अन अकेडमी एज यू नो इट इज़ इंडिया लार्जेस्ट ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म आप मेरे साथ जुड़े हुए हैं मेरा नाम है कृपा शंकर और दोस्तों अगर आपने अन अकेडमी का एप डाउनलोड किया हुआ है तो टेन थर्टी पे मेरी क्लास होगी आज करंट अफेयर्स की है ना तो आप लोग उस पर ज्वाइन कर सकते हैं और प्लीज कोट सब्सक्राइब करना ना भूलें थैंक यू टेक केयर